दोस्तों दोनों हाथ जोड़ करके बोल रहा हूं कि अगर आप अमेजन से लार्ज अप्लायंसेस खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो अपना जो डिसीजन है, अपनी जो सोच है, उसको बिल्कुल आज से ही जो है त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए, कभी मत खरीदिए amazon.in से लार्ज अप्लायंसेस को। ये मेरा जो मैं आपको बता रहा हूं, ये अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पर बता रहा हूं, जो मैं 14 जून से लेकर के 25 जून के बीच में मैंने एक्सपीरियंस करा, उस एक्सपीरियंस के बिहाफ पर मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों मैंने 13 जून 2020 को सिम्फनी का कूलर amazon.in से ऑर्डर करके रिसीव किया था 13 जून 2020 को, और वो सैटरडे का दिन था। 14 जून 2020 को मैंने इसे मॉर्निंग में ओपन किया और प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी बेकार थी, इसको मैंने जब चला करके देखा तो इतना बेकार इसका एयर थ्रो रेट था कि मैंने उसी टाइम सोच लिया कि 8000 रुपए लगा करके मेरे को पंखे जैसा कूलर का एक्सपीरियंस हो रहा है, तो मैं इस प्रोडक्ट को वापस कर दूं। सेम टाइम पर मैं रिटर्न की रिक्वेस्ट डाली और वहां पर इश्यू डाला मैंने प्रोडक्ट रिलेटेड क्वालिटी का, और वहां पर रिटर्न रिक्वेस्ट जनरेट कर दी। उसके बाद जो मेरे साथ हुआ वो कहानी आप सुन करके जो है वो हैरान हो जाएंगे। इतना पैथेटिक एक्सपीरियंस amazon.in, जो क्लेम करता है वर्ल्ड की सबसे बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट है और इंडिया में अपने को लीडिंग बताता है सबसे ज्यादा, इतना बेकार एक्सपीरियंस कस्टमर केयर का है कि आपके साथ ये ना हो, इसलिए मैं आज ये वीडियो बनाने जा रहा हूं। सबसे पहले आप देख लीजिए, मैं आपको अपना कूलर दिखाता हूं कहां पड़ा हुआ है। ये दोस्तों ये है कूलर, वो ये कूलर सिम्फनी का यहां पर पड़ा हुआ है, अभी पैक पड़ा हुआ है। 13 जून 2020 को जो मेरे को रिसीव हुआ था अभी तक ये यहीं पर पड़ा हुआ है। अब मैं आपको सारी कहानी कुछ बताने की कोशिश करता हूं। दोस्तों 14 जून 2020 को जब मैंने रिटर्न की रिक्वेस्ट डाली तो तब से मैंने वेट किया कि कोई पिकअप करने के लिए आ जाए, लेकिन कोई भी पिक करने के लिए नहीं आया। 3 दिन बाद मैंने कस्टमर केयर पे बात करना स्टार्ट करी, और जो बात मैंने 18 तारीख से करना स्टार्ट किया था वो अभी 25 तारीख तक लगातार मैं कर रहा हूं। रोज मैं बात करता हूं 1.5 से 2 घंटे, कस्टमर केयर इनका कनेक्ट नहीं होता है, बहुत मुश्किल से कनेक्ट होता है। वो जाकर के कस्टमर केयर वाले मेरे को लार्ज अप्लायंसेस में कनेक्ट करते हैं, जो उसकी पिकअप को अरेंज कर रहे हैं वापस जाने के लिए, और उनका एक ही रटा रटा जवाब होता है, सर वेट करिए, कल परसों नर्सों, और हुआ कैन बिटवीन में कि 20 तारीख को जब मैंने इनसे कॉल पर बात करी तो उन्होंने मुझे बोला कि आपकी पिकअप जो है वो आपकी जो है पिकअप की रिक्वेस्ट जो है वो ली नहीं गई है, आपने डाल तो दी थी वो लेकिन ली नहीं गई है, कोशिश की गई थी वो फेल हो चुकी है, जो डिलीवरी कुरियर है उन्होंने पिकअप नहीं किया, इसलिए आपको एक नया रिटर्न रिक्वेस्ट जनरेट करना पड़ेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप जनरेट कर दो, अब गलती हो गई इन लोगों से, कंपनी से तो हो सकती है। लेकिन उसके बाद 20 तारीख को जो है फिर से रिटर्न रिक्वेस्ट जनरेट किया गया, डिलीवरी कुरियर को पिक करना था, लेकिन 20 से 25 तारीख हो चुके हैं, मैं रोज बात करता हूं कब आप पिक करेंगे, कब आप पिक करेंगे, कब आप पिक करेंगे। आज मेरे को बोला गया था कि हर हालत में 25 जून 2020 को ये पिक कर लिया जाएगा रात 9 बजे तक। आज मेरी 3 से 4 बार बात हुई है, लेकिन रात के आप देख रहे होंगे घड़ी में पॉज करके आप देखिए 9 बज रहे हैं, अभी तक कोई भी मेरे पास कॉल नहीं आया है डिलीवरी कुरियर से पिक करने का। मैंने क्या क्या किया, बहुत ज्यादा एफर्ट किए, इनसे मैंने एक डिलीवरी कुरियर का नंबर लिया, वहां पर मैंने कॉल किया, वहां पर एक ही मैसेज आ रहा है कि ड्यू टू आजकल जो सिचुएशन चल रही है उसके रहते हुए हम आपको एंटरटेन नहीं कर सकते, आप मेरी वेबसाइट पे जाइए। डिलीवरी की वेबसाइट पर गया, वहां पे ट्रैकिंग नंबर दिखाया, वहां पर बताया गया कि 21 जून मॉर्निंग से जो है पिकअप के लिए ये अवेटिंग है, 25 जून हो गया आज तक अवेटिंग ही चल रहा है उनका। एक व्हाट्सअप का एक लिंक दिया गया था कि व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहां पर व्हाट्सअप किया तो उन्होंने कहा कि ये अभी हम आपकी एंटरटेन नहीं कर सकते, रिक्वेस्ट को आप मेल कर दीजिए। मेल कराया, वहां पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया 3 से 4 दिन तक, और मेरे पास कल 24 जून को एक रिस्पॉन्स आया था वहां से, डिलीवरी से, एक ऑटो मेल टाइप का था जिसमें बताया गया था कि 24 घंटे में आपका जो कुरियर है वो पिक कर लिया जाएगा, लेकिन 24 घंटे 6:16 पर शाम को पूरे हो चुके हैं 24 जून को जो आया था, अभी तक कोई पिकअप कुछ नहीं हुआ है। मैं डिलीवरी के ट्विटर हैंडल पे जाकर के डाला कि इस कंप्लेंट को, उन्होंने कोई एंटरटेन नहीं किया। उसके बाद आया बहुत थक हार करके, मैंने अमेजन में जो इतने दिनों तक कस्टमर केयर में बात करी मेरे कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला, कोई भी मेरा पिकअप के लिए कुछ नहीं आया। तब मैं जाकर के ट्विटर पे इनके यहाँ पे डाला, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको आ रहा होगा ट्विटर पे मैसेज। अमेजन ने वहां पर मेरे को ये बोला कि हम आपकी समस्या को समझ सकते हैं, इसके लिए उन्होंने सॉरी बोला, जो इनका एक फिक्स मैसेज होता है, और एक लिंक दिया जहां पर जाकर के आप अपनी रिक्वेस्ट को वहां पर नोट करा सकते हैं। मैंने रिक्वेस्ट को नोट करा दिया है, वो बोला कि हम आपसे संपर्क करेंगे, अभी तक किसी ने संपर्क नहीं किया, सुबह से डाला हुआ मैसेज, अभी तक मैं बस वेट कर रहा हूं। और लगभग 14 तारीख से आप समझ सकते हैं, आज 25 जून 2020 हो चुकी है, रात हो चुकी है, ये भी खत्म हो चुका है, 11 दिन कंप्लीट हो चुके हैं प्रोडक्ट का रिटर्न का वेट करते करते, मेरे 8000 रुपए फंसे पड़े हैं, आप समझ सकते हैं बहुत बड़ा अमाउंट है। तो मैंने जो अपना एक्सपीरियंस करा वो आपके साथ इतना पैथेटिक एक्सपीरियंस ना हो। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, खुदा ना खासा आपको रिटर्न करने की नौबत आ जाए, तो आप समझ लीजिए कितना ज्यादा इश्यू क्रिएट होने वाला है। इसीलिए
अमेजन से तो कभी ना खरीदें, और कभी भी आप ऑनलाइन अगर लार्ज अप्लायंसेस खरीद रहे हैं तो इसी का एक्सपीरियंस आपके साथ भी हो सकता है। मेरा amazon.in के साथ हुआ है, इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूं इस ऑनलाइन खरीदने के बाद। उम्मीद करता हूं आज की ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही जो है वो अच्छी लगी होगी और आपके लिए यूजफुल रहेगी हमेशा के लिए। इससे जुड़े हुए कोई भी अगर सवाल है, क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं। और बाकी जो है YT भारत के और ही इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कुछ भी सवाल है तो कमेंट करें। हमेशा नए नए इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव और ट्रैवल रिलेटेड, फन रिलेटेड, एंटरटेनमेंट रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर रेड बटन आ रहा है सब्सक्राइब करके, ऑल को जरूर सेलेक्ट करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सेम टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं YT भारत के इसी तरह के बहुत ही अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।